बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की जो बड़ी अपडेट्स है, बड़ी खबरें हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। करुणामूलक क्लास 4 की भर्तियों पर नए आदेश जारी हुए हैं और ये क्या ऑर्डर्स आए हैं ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को एरियर के साथ साथ सैलरी भी मिल गई है और अब डीए का भुगतान कब होगा ये जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। अगली जानकारी आपके लिए करुणामूलक भर्ती जो क्लास डी की होनी है उस पर जो नया ऑर्डर आया है उससे जुड़ी देना चाहेंगे। दरअसल वित्त विभाग ने करुणामूलक भर्तियों के लिए नए सिरे से आदेश जारी किए हैं और अब सभी विभाग 5% की सीलिंग को हटाते हुए 7 अक्टूबर 2022 तक ग्रुप डी यानी क्लास 4 की भर्तियां कर सकते हैं। ये जानकारी करुणामूलक भर्ती से जुड़ी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल जल शक्ति विभाग, शहरी विकास विभाग समेत कुछ अन्य ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर इस तरह की भर्तियां क्लास डी की नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जो है इस मामले में वित्त विभाग ने क्लियर ऑर्डर जारी कर दिए हैं और ये मामला जो है वित्त विभाग को ही अनुमति के लिए भेजा गया था और अब डेट एक्सटेंड होने के कारण एक हफ्ते के भीतर इन विभागों में नई नियुक्तियां करनी है। 8 अक्टूबर 2022 से दोबारा 5% की सीलिंग लागू हो जाएगी और आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहां टोटल पदों का जो 5% कोटा है वो करुणामूलक भर्तियों के लिए रहता है। तो काफी दिनों से ये चर्चा थी, ये मामला लटका हुआ था, तो अब इस मामले में वित्त विभाग ने जो है क्लास डी की भर्तियों को लेकर नए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही जो करुणामूलक संघ ग्रुप सी में नियुक्तियां होनी है उसके लिए भी करुणामूलक संघ लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, हालांकि संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन इस मामले में फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो ये राहत की खबर, क्लास 3 से जो भर्तियां होनी है करुणामूलक पदों पर उससे जुड़ी आपके लिए जानकारी लेकर आए थे। अगली जानकारी आपके लिए कर्मचारियों के एरियर और सैलरी से जुड़ी देना चाहेंगे। दरअसल राज्य सरकार के अधिकांश कर्मचारियों को आज सैलरी का भुगतान एरियर के साथ कर दिया गया है और जिन विभागों में एरियर के बिल समय पर बन गए थे उन्हें सरकार ने बढ़े हुए वेतन के साथ ये भुगतान जो है वो किया है। इसमें ट्रेजरी से इस बारे में 2 या 3 दिन के बाद कंफर्म हो पाएगा कि कितने विभागों में एरियर का जो भुगतान है वो होना शेष है और इसके बाद वित्त विभाग इस बारे में रिपोर्ट संभवतः जो है वो कैबिनेट में रखेगा और कैबिनेट की बैठक 6 अक्टूबर को सचिवालय में होनी है। यदि ट्रेजरी में पर्याप्त धनराशि रही तो सरकार महंगाई भत्ते यानी डीए की जो किस्त है उसको देने पर भी फैसला कर सकती है और 7% महंगाई भत्ता भी यहां बकाया है, इसमें से 3% जो पहले की किस्त है। वित्त विभाग के मुताबिक एक किस्त देने में ही सरकार के 366 करोड़ रुपए की देनदारियां बनती है, तो सरकारी कर्मचारी विधानसभा चुनाव से पहली किस्त का जो भुगतान है वो चाहते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे कि जल्द ही कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ता भी मिल सकता है। अगली और अहम जानकारी आपके लिए एंटिटी भर्ती से हम जुड़ी देना चाहेंगे। दरअसल सभी को इंतजार है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एंटिटी की जो भर्तियां हैं उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए, तो आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आउटसोर्स के जरिए जो ये पद भरे जाने हैं इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो भी जल्द शुरू होने वाली है। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भी इस बारे में जो लेटर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसके माध्यम से ये भर्तियां की जानी है उन्हें ही ये लेटर भेज दिया है और इसमें एजुकेशन सेक्रेटरी जो देवेश कुमार है उन्होंने ये कहा है कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार ये पत्र कॉर्पोरेशन को भेजा गया है और इस प्रक्रिया के जरिए 4787 जो पद है एनटीटी के वो भरे जाने हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर इसमें रखे जाएंगे। तो ये अहम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे। जो एनटीटी प्रशिक्षक है भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनकी जो भर्तियां हैं स्कूलों में वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हो सकती है। अगली और अहम जानकारी आपके लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी देना चाहेंगे। दरअसल शिक्षा निदेशालय में जो लंबे समय से 15 प्रधानाचार्य डटे हुए हैं वो वही रहेंगे। ये पूरा मामले की आपको जानकारी देना चाहेंगे कि 2 दिन पहले ही सरकार ने इन प्रधानाचार्यों को 15 प्रधानाचार्यों को स्कूलों में जो है ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी किए थे और ये ऑर्डर जो है शिक्षा सचिव की ओर से जारी किए गए थे, लेकिन हैरानी का विषय है कि अपनी पहुंच के कारण ये जो आदेश है वो इन टीचरों ने, इन प्रिंसिपलों ने कैंसल करवा दिए, माफ कीजिएगा, और 29 सितंबर को ही प्रधान सचिव की ओर से ये तबादला आदेश जारी किए गए थे और शिक्षा निदेशालय में काफी लंबे समय से ये प्रिंसिपल जो है वो टिके हुए हैं और ये लग रहा था कि चुनाव आचार संहिता से पहले स्कूलों में जो है इन्होंने अपनी एडजस्टमेंट करवा ली है, लेकिन आज हैरानी वाली बात यह है कि शिक्षा सचिव की ओर से
सरकार के दबाव के चलते फिर से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें जो है इनके जो ऑर्डर है वो होल्ड कर दिए गए हैं। हालांकि जो रोक है कैंसल हम कहना चाहेंगे कि कैंसल नहीं किए गए हैं एजुकेशन सेक्टर की ओर से, वे भी अपनी बात पर कायम रहे हैं। लेकिन हैरानी का विषय है कि ये जो प्रधानाचार्य है अपनी पहुंच के चलते शिक्षा निदेशालय में ही अपनी ड्यूटी देना चाहते हैं और स्कूलों में जो है इनकी हालांकि ड्यूटियां लगती है। और दूसरी ओर अगर स्कूलों की बात करें तो वहां पर जो कार्यकारी प्रधानाचार्य हैं वे ही कार्यभार देख रहे हैं। अगली जानकारी आपके लिए शिमला में हुए एक ट्रक हादसे से जुड़ी देना चाहेंगे। दरअसल आजकल आए दिनों प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग अपनी ही लापरवाही के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ही मामला शनिवार की सुबह शिमला के छराबड़ा में हुआ, जहां पर सड़क हादसे में एक स्लेब से भरा हुआ जो ट्रक था वो पलट गया और ये जो ट्रक है वो गाड़ी पर पलट गया और इस दौरान 3 लोगों की जो मौके पर ही मौत हो गई और वहीं एक व्यक्ति इस दौरान घायल हो गया। ये हादसा सुबह 6:30 बजे हसन वैली के पास हुआ, जहां पर चालक ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और वहां से गुजर रही कार पर पलट गया। अगली जानकारी आपके लिए पीसमील कर्मचारियों से जुड़ी हम देना चाहेंगे। इन कर्मचारियों का ये कहना है कि 31 मार्च 2022 और 30 सितंबर 2022 तक ये अपनी योग्यता पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लाया जा रहा है। और इनकी संख्या की अगर बात करें तो इन पीसमील कर्मचारियों की संख्या टोटल 100 है, लेकिन अभी तक जो है HRTC प्रशासन की ओर से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लाया गया है। तो ये इन्होंने धमकी दी है। और आपको ये बताना चाहेंगे जो ये पीसमील कर्मचारी है वो HRTC की वर्कशॉप में काम करते हैं और विभिन्न तरह के जो कार्य है जैसे बसों की रिपेयर आदि उन्हें ठीक करने का जो है ये काम करते हैं। तो ये लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है आप कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाए। अंतिम जानकारी आज आपके लिए तहसीलदार और जो पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल हुए हैं उससे जुड़ी देना चाहेंगे। दरअसल प्रदेश सरकार ने आज 55 तहसीलदार जो बदले हैं और प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग में भी 38 DSP रैंक के जो पुलिस अधिकारी है उनको बदला गया है और इसके अलावा 22 पुलिस अधिकारी को प्रमोट भी किया गया है और इसमें जो 18 DSP प्रमोट होकर अब जो है ASP बने हैं। सरकार की ओर से आज ये आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। तो ये थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी।